तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये अब तक की सबसे हेल्दी रेसिपी है, खास करके लिए न्यू मॉम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशिता और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो कुछ लोग उसे हरीरा बोलते हैं तो कुछ लोग पंजीरी। ये स्पेशली आफ्टर डिलीवरी फूड है जिसको न्यू मॉम के लिए बनाया जाता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन आप इसको फ्रिज में आराम से एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने यहाँ पे, वो हर एक इंग्रेडिएंट का कुछ ना कुछ पर्पस है जो आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से फ़ायदा करेगा। यहाँ पे मैंने एडिबल गम डाला है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में इसमें हल्दी डाला है, जीरा, अजवाइन जो हम आफ्टर डिलीवरी लेते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल में भी खा सकते हैं लेकिन कम क्वान्टिटी में। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कप मैंने बादाम लिया है और एक कप काजू लिया है। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का पर्पस तो हमें पता ही है कितना फ़ायदा करता है, साथ में जो हम शुगर सिरप बनाएंगे उसमें ये उसकी कंसिस्टेंसी को घटाने और बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आपको जितना ज़्यादा चाहिए हो उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, ये मैंने 2 कप लिए हैं, इसको देख लेंगे, बीज से तोड़ के एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, साफ है। अभी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अदरक का पाउडर लिया है सौंठ, और साथ में लिया है 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है एडिबल गम, ये खाने वाला गोंद है, आपको किराने के स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। ये जो गोंद है बहुत फ़ायदा करता है हमारी हड्डियों के लिए, तो जिनको भी नी प्रॉब्लम होती है वो इस गोंद का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिया है चिरौंजी 3 बड़े चम्मच, ये पोसा दाने हैं, पोसा दाने भी मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच, और 2 चम्मच हल्दी। ये है भुना हुआ मोटा पिसा हुआ जीरा। अभी एक पैन में हम 6 ग्लास डालेंगे पानी, और इसमें 6 ग्लास हमें डालना है चीनी। चीनी आप 7 से 8 ग्लास भी डाल सकते हो, जितना पानी है उससे थोड़ा सा 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा भी कर सकते हो अगर चाशनी आपकी गाढ़ी नहीं हुई है। अभी हम इसको गैस पे रख देंगे तेज आंच में और चला लेंगे। तो हम ये हरीरा बना रहे हैं, ये 1 kg बना रहे हैं, तो 6 ग्लास पानी में आपका 1 kg हरीरा तैयार हो जाएगा। इसको हमें तेज आँच रखना है और बीच बीच में चलाना है, शुगर को हमें डिसॉल्व करना है। अभी दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच घी डाला है और उसमें डाल रही हूँ मखाने। तो फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है, 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखना है, और इसका मॉइस्चर निकलने तक हमें इसको रोस्ट करना है। चेक करने के लिए हम मखाने को हल्का सा फोड़ेंगे तो हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा। क्रिस्प हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम अदरक का पाउडर यानी सौंठ, उसको भी हम रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये जल जाएगा। 5 मिनट के लिए हल्का हल्का इसको रोस्ट करते रहेंगे, इसमें से स्मेल आने लगेगी, इसका कलर हल्का से गोल्डन आने लगेगा, तब हम इसको अलग निकाल लेंगे। तो अभी इसमें से हल्की स्मेल भी आने लगी है, उसका कलर भी हल्का सा डार्क होने लगा है, तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। पोस्ता के दाने के लिए हमें 3 मिनट्स के लिए फ्लेम को लो रखना है और इसको भी रोस्ट कर लेना है।
पोस्ता के दाने अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं, अच्छे से पीस सकते हैं। इसी तरह से हमें चिरौंजी भी 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेनी है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि जो हमारा हरीरा है लंबे टाइम तक फ्रिज में हम इसको रख सकते हैं और इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे डालेंगे बादाम, इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसी तरह से काजू भी हम 5 मिनट के लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसमें चाहे हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है और काजू को लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना पाए। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ठंड में हमेशा ही खा सकते हो। आफ्टर डिलीवरी फूड है बट नॉर्मल में भी आप इसको खा सकते हो। अभी हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसको भी 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। अभी हल्दी को भी हम 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। अभी हम एक पैन में 2-3 चम्मच घी डालेंगे, आप 5 से 6 चम्मच भी घी डाल सकते हैं। और उसमें डालेंगे गम, जो खाने वाला गोंद है हम इसमें वो डालेंगे, डेविल गम, और इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमें हाई रखना है क्योंकि ये बबल्स की तरह फूलने लगेंगे थोड़ी देर में। तो अगर आप घी और बढ़ाना चाहते हो, ऐसे फ्राई डीप फ्राई करते हैं, आप उस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और डीप फ्राई में ये बहुत जल्दी फूलने लगेंगे। तो अभी ये मखाने जो हैं रोस्ट किए हुए, इसको हम फोड़ लेंगे। आप मिक्सर में डाल सकते हो लेकिन 1 सेकंड के लिए आपको डालना है, फौरन बंद कर देना है, नहीं तो आप हाथ से इस तरह से इसको फोड़ सकते हो। आपके पास जो ट्रिक हो इसको तोड़ने के लिए, इसको फोड़ने के लिए, तो आप वो ट्रिक इस्तेमाल करिए। तो मैं जो कर सकती थी, मैं बेलन की हेल्प से इसको फोड़ रही हूँ इस तरह से। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो मखाने, आप चाहो तो अगर छोटे साइज के हैं तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हो। ये रहे कैशियो यानी काजू, इसको भी हम मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो इसको महीन महीन बारीक काट के भी डाल सकते हो। अगर आप इस तरह से ग्राइंड करोगे तो जो हमारा शुगर सिरप जो है वो गाढ़ा बनेगा इन सब ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद। अभी हम बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे। बादाम को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हो या मोटा दरदरा पीस के भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को ग्राइंड कर लिया है और ये कोकोनट और अदरक रोस्ट की हुई, चिरौंजी और पोस्ता के दाने रोस्ट किए हुए रेडी है, हल्दी रोस्ट की हुई रेडी हो चुकी है। ये रही सौंठ, सौंठ भी हमने रोस्ट कर लिया है यानी अदरक का पाउडर। हमने जो शुगर सिरप तैयार किया हुआ था, जो चढ़ाया हुआ था गैस पे, तो उसको हम चेक करते हैं। ये गाढ़ा हो चुका है और इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है कि हाथों में तार बनने लगे, हाथों में तार नहीं बनना है, बस हाथों में हल्का सा चिपकने लगे, हल्का सा गाढ़ा हो जाए ये चाशनी जो है हमारी,
हल्की सी बस चिपकने लगे कि गाड़ी हो गई है तो बस हमें फ्लेम को बंद कर देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे इस रेसिपी को बनाया है। तो अभी यहाँ पे शुगर सिरप है, इसमें मैं एलमंड डाल देती हूँ। ये जो एलमंड हमने ग्राइंड किए थे ये डालेंगे। ये हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा बचा लेना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो शुगर सिरप की, वो हमें कितनी गाढ़ी हो रही है, कितनी पतली हो रही है वो भी ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से हमें ड्राई फ्रूट्स को डालना है और अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टा बढ़ा देना है। इसमें हमने काजू भी ग्राइंड किए हुए थे वो भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप यहाँ पे अगर खरबूजे के बीजे अगर पसंद करते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन छिले हुए और रोस्ट किए हुए ही डाल सकते हैं। रोस्ट किया हुआ नारियल का बुरादा ये भी हम इसमें डाल देंगे और पॉपी सीड्स, पोस्ता के दाने भी हम इसमें डाल देंगे और चिरौंजी। अभी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी आप चाहो तो कम कर सकते हो, आधा चम्मच भी कर सकते हो, एक चम्मच भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोंठ यानी अदरक का पाउडर। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अदरक का पाउडर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अदरक इस्तेमाल करनी है, तो अदरक को आपको रोस्ट जरूर करना है ग्रेट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, भुना हुआ जीरा एक चम्मच। अजवाइन डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच। अभी हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने भी हम थोड़े से अभी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आफ्टर डिलीवरी आप खा रहे हो तो आप इसको जरूर खाइए, बहुत फायदा करता है आपके बोन्स पे। तो अभी जो शुगर सिरप था काफी पतला है अभी भी, तो अभी इसमें हम डालेंगे आलमंड जो बचा हुआ था ग्राइंड किया हुआ। अभी बादाम हम इसमें डाल दिया है और काजू भी इसमें हम डाल देंगे जो मैंने मोटा पीसा हुआ था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इससे जो हमारा शुगर सिरप की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी हमें यहाँ पे डालना है घी। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पे हरीरा तैयार हो चुका है। आप इसको हरीरा बोलिए या पंजीरी बोलिए, सभी लोग अपने तरीके से इसको बोलते हैं अलग अलग नामों से। इसको बनाने के बाद आप इसको 1 से 1.5 महीने तक आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर करके आप इसको डेली खा सकते हो। इसमें सब कुछ हमने यहाँ पे रोस्ट किया हुआ था इसलिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये रेसिपी है लेकिन बहुत फ़ायदे वाली है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने ये रेसिपी बनाई है तो आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करिए। मैं अंशिता फिर मिलती हूँ कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ।